अध्यक्ष और नोएडा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी महंत योगी संजीवन दास, आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी और पूरे समाज को बहुत बहुत बधाई और दम्बम आशीर्वाद। आपका जो चुनाव में आए हैं तो आपका एजेंडा क्या है, क्या सोच के आप आए, क्या आपकी रणनीति है, क्या सोच रही है? सोच ये है कि आज की जो स्थिति परिस्थिति देश में और प्रदेश की जो स्थिति है, जनता बहुत परेशान है, युवा बहुत परेशान है। 80% युवा है इस देश में और जवान देश को बूढ़ा बनाया जा रहा है। ना रोजगार है, ना चिकित्सा है, ना शिक्षा है, ये हमारा एजेंडा है। उन टॉपिकों की तो बातें ही यहाँ नहीं हो रही है। अलग अलग तरीके के टॉपिक ला के जुमलेबाजी करके घर के चुनाव लड़ते हैं और इसी के साथ साथ ये भी है शिक्षा और चिकित्सा, ये एजेंडा। और इसमें एक एजेंडा हमारा ये भी है, किसी भी हॉस्पिटल मालिक को, डॉक्टर को, अगर क्योंकि इनके पास पैसा होता है, किसी भी पार्टी से टिकट ले आते हैं क्योंकि इनके पास संसाधन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा संसाधन, और ऐसे ही स्कूल मालिक और इंस्टीट्यूट के जो बड़े बड़े मालिक हैं ये टिकट ले आते हैं क्योंकि इनके पास संसाधन है। ये ऐसे लोगों को कभी जनता को नहीं जिताना चाहिए। जब ये जीतते हैं और ये किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ने आते हैं, चाहे विधानसभा या कोई अन्य बड़ा चुनाव लड़ने आते हैं विधानसभा से, तो ये लोग अपना उद्योग धंधा बढ़ाने के लिए आते हैं, जनता को कुछ देने के लिए नहीं आते। दूसरा, जो पार्टियों ने बड़ी बड़ी पीछे अभी पिछले समय में रैली की है, जो 10 से 50 करोड़ रुपये रैलियों में खर्च कर रहे हैं, तो वो जनता को कुछ देने के लिए थोड़ी आ रहे हैं, वो जनता से लेने आ रहे हैं, जनता के पैसे को जनता पर बर्बाद कर रहे हैं। भले इतने उससे तो कोई भी बड़े बड़े शिक्षा के मंदिर बन सकते हैं और आपके हॉस्पिटल्स बन सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। इस राष्ट्र की सबसे बड़ी परेशानी जो है इस समय ये चल रही है कि एक तरफ अमीर है और एक तरफ गरीब है, मिडिल क्लास फैमिली बहुत परेशान है। जो अरबोंपति हैं वो खरबोंपति हो गए, सब कुछ बढ़ गया, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो छोटे व्यापारी भी हैं, वो सब आज की डेट में बहुत परेशान और बर्बाद हो गए। जैसा कि आपने इतनी सारी समस्याएं मुझे बताई हैं, तो आपका आता है मतलब आप जीतते हैं तो आप किस प्रकार से इन समस्याओं को दूर करेंगे, उसके लिए आपने क्या सिखाते हैं? देखिए, सर्व समाज पार्टी का निर्माण जो हुआ है आपका 2019 में इसका गठन हुआ है पार्टी का 1 अप्रैल, और इसीलिए गठन किया गया राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र की जो समस्या है, जो बिल्कुल जो समस्या बेस जो है राष्ट्र का, उस पर हम काम करेंगे और जनता की आवाज़ और जनता के हित, तो जनता से ही मुद्दे पूछ के, जनता की परेशानियाँ हैं उनको हल करने में हम लोग सहयोग करेंगे सभी से, देश में और प्रदेश में। और सीट पे हम नोएडा सीट से लड़ रहे हैं, महंत योगी संजीवन नाथ नाम है आपने बताया, तो सभी से अनुरोध है कि सभी लोग एक कार्य करें, हमें हमारे हाथ मजबूत करें और वोट दें और हमें जिताएं, हम इनके सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे पूर्ण तरह के तरीके से, क्योंकि बहुत परेशानी से। अब बाबा लोग जब मैदान में आ ही गए हैं तो कुछ ना कुछ तो सोच के आए हैं मैदान में, तो आप निश्चिंत रहिए, जो जनता का है मुद्दा, जनता की जो परेशानियां हैं, हम उसी पे काम कर रहे हैं और हम किसी पे काम नहीं है कि हम कोई नेता नहीं है, हम लोग कोई अभी नेता नहीं है, हम लोग कोई पूंजीपति टाटा बिरला या अंबानी अडानी नहीं है, हम लोग जो हैं सिर्फ एक साधारण परिवार से आते हैं। इसलिए जनता को ऐसा विधायक चुनना है किसी भी जगह इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर जो सीधा सीधा संवाद कर सके। ये बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, बड़े बड़े पूंजीपति जो लोग दिखा दे रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, इनकी झपक में नहीं आना है, क्योंकि ये लोग आपका काम करने नहीं आते, ये लड़के चुनाव सिर्फ अपना उद्योग धंधा बढ़ाने आते हैं। और भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। और क्या बदलाव हमारे क्षेत्र में? बदलाव शिक्षा के मामले में बदलाव करेंगे, चिकित्सा के विषय में बदलाव करेंगे, शिक्षा और चिकित्सा तो मेन मुद्दा है, सुरक्षा के भी हम बदलाव करेंगे, और जो यहाँ पे कच्ची कॉलोनियाँ हैं, गरीब लोगों ने जिन्होंने ले ली हैं वहाँ पे मकान खरीद लिए, उनकी पक्की कॉलोनियाँ कराएंगे, जो फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं हो रही है, अच्छा विधायक अगर वो चुनेंगे उनके साथ खड़े होकर बिल्डर से रजिस्ट्री कराएंगे, जो बिल्डर रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं, लोगों को परेशान किया हुआ है, हर मुद्दे पर काम। टेनिस में बात करने के लिए आपका